इस शराब नीति में वो हजारों की संख्या में उन्होंने दिल्ली में शराब के ठेके खोल दिए, रिहायशी कॉलोनी के अंदर जो ठेके स्कूल और मंदिरों के पास, धार्मिक स्थलों के आसपास, बिल्कुल अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर जहां आज तक आजादी के बाद कभी शराब के ठेके नहीं खोले गए, वहां पर शराब के ठेके खोलकर वहां के मार्केट्स, वहां के रिहायशी कॉलोनियों को वहां परेशान करने का काम ये दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति के माध्यम से किया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार शराब नीति के खिलाफ हम विरोध कर रहे हैं और आज पूरी दिल्ली में चक्का जाम है। पूरी दिल्ली में आज दिल्ली की जनता भी हमारे साथ है और किसी भी कीमत पर हमारा ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक ये शराब की नई नीति केजरीवाल सरकार वापस नहीं ले लेती है, टर्न डाउन नहीं कर लेती है। ये वही केजरीवाल जी हैं जो कहते थे हम स्कूल खोलेंगे, हम कॉलेजेस खोलेंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, लेकिन ना इनके 500 स्कूल खुले हैं, ना 20 कॉलेज खुले हैं, ना हॉस्पिटल बनाए हैं, और उन्होंने शराब के हजारों ठेके खोल दिए।